हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज हम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे अबाउट आईपीपीएस आरआरबी रिजर्व लिस्ट 2020। सो फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आपकी आउट हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, कौन कौन से स्टेट उसमें इंक्लूड हैं, सो उसके ऊपर भी मैंने आपसे बात की थी। ठीक है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर जिसने वो वीडियो जाके नहीं देखी तो आप जाके चेक कर सकते हैं। राइट, अब बात कर लेते हैं कि आपके जो नेक्स्ट रिजर्व लिस्ट है वो आपकी कब तक आ सकती है। ठीक है, कब तक इनकी जो नेक्स्ट रिजर्व लिस्ट है, 3 से 4 रिजर्व लिस्ट निकलेंगी। ठीक है, और कब तक आपकी निकलेंगी, कितने टाइम ड्यूरेशन तक निकलेंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो आपकी सेकेंड जो रिजर्व लिस्ट है आरआरबी 2020 की, ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, दोनों की अभी तक जो भी स्टेट इंक्लूड नहीं हुए हैं फर्स्ट रिजर्व लिस्ट में, ठीक है, उनको उनको छोड़ के आपकी सेकेंड वेट लिस्ट आउट की जाएगी। ठीक है, ड्यूरेशन मैं बता देती हूँ, 2 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट से सेकेंड वेट लिस्ट आपका आउट होने में, और मई के लास्ट में आपका फर्स्ट रिजर्व लिस्ट आउट किया है, इसका मतलब अगस्त के लास्ट में आपका सेकेंड वेट लिस्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, थर्ड वेट लिस्ट अगर आपकी आएगी तो वो अक्टूबर के लास्ट में आएगी, फोर्थ रिजर्व लिस्ट अगर आएगी तो आपकी दिसंबर के लास्ट में आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे ये बात हो गई रिजर्व लिस्ट आपकी कब कब आ सकती हैं। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं जिनका भी सिलेक्शन हो गया है फर्स्ट रिजर्व लिस्ट के अंदर, ठीक है, उनको क्या करना है, 2 चीज़ें करनी है। एक तो अपना ईमेल चेक करना है जो आपने प्रोवाइड किया था अपने एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम पे। और सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है, जिस बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको डेली चेक करना है। ठीक है, तो ये 2 काम करने हैं जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है। तो यही एक छोटा सा अपडेट था जो आपको देना था। अगर आपकी और भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी आंसर कर दूँगी। थैंक यू।